13 दिसंबर को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार जहां अपने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने के लिए जयपुर में जश्न का आयोजन करेगी, वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस इससे एक दिन पहले भाजपा सरकार की विफलता के 2 साल पूरा होने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देशानुसार भाजपा की विफलता के 2 वर्ष के कार्यकाल पर 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सोमवार को अजमेर पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट का जयपुर रोड स्थित शहर अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता के निवास स्थान पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए पायलट ने बताया कि भाजपा ने 2 साल में चाहे राज्य हो या केंद्र, आम आदमी को राहत पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया है। 12 दिसंबर को कांग्रेसी समस्त जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आप सब जानते हैं कि 13 तारीख को राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। सबको विदित है कि जब चुनाव होते हैं तो राज्य सरकार बनती है 5 साल के लिए और इस सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि बेवजह अपने दूसरे साल की वर्षगांठ बनाने का काम सरकार कर रही है, जश्न मनाने का काम कर रही है और राजस्थान के आम जनता की गाढ़ी कमाई को इस प्रकार से पानी की तरह बहाना सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये एक बहुत निंदनीय कार्य है, क्योंकि सालगिरह पे अगर जनता सरकार के राज से इतनी खुश है कि सड़कों पे आके लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, वो बात मैं स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन सरकार के पास ऐसा दिखाने को कुछ नहीं है कि 2 साल के अपने कार्यकाल के वर्षगांठ पर करोड़ों रुपये खर्च करके अपनी पार्टी के लोगों को प्रदेश भर से इकट्ठा करें, वो भी सरकारी खर्च पर। इसका हम विरोध करते हैं। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि 12 तारीख को पूरे राजस्थान के अंदर हर एक जिला मुख्यालय पर हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे कि सरकार को निर्देशित करें कि सरकार ने अपने मुंह से जो वादे किए हैं, बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जो स्वराज संकल्प यात्रा थी उसमें जो वादे किए, अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए, कम से कम उनका आकलन करके समीक्षा कर उनको पूरा करने का काम करें। 12 तारीख को हम लोग पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे और 14 तारीख को प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर भी हमारी पूरी पार्टी के सब नेतागण कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, आवाज को बुलंद करेंगे, आम आदमी की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आएगी और मांग रखते हैं हम लोग कि जो बढ़ी हुई बिजली की दर है उनको वापस लें, जो सब्सिडी खत्म करी है चाहे ड्रिप इरिगेशन पे हो, चाहे फूड सुरक्षा पे जो उनको लागू करना चाहिए था वो नहीं किया है, दवाइयां, पेंशन, ग्रामीण क्षेत्र में हाल बेहाल है लोगों के और सरकार को सुध नहीं है अपनी पीठ थपथपाने से। और बीजेपी के किसी बड़े नेता को आप बुलाना चाहते हो तो पार्टी के कार्यक्रम में बुलाइए, सरकारी कार्यक्रम आयोजित करने का क्या मतलब है। इन 2 सालों के अंदर 25 के 25 लोकसभा के सांसद बीजेपी के हैं राजस्थान से, 160 से ज्यादा विधायक हैं, इतना बहुमत होने के बाद भी क्या कारण है कि केंद्र की सरकार राज्य को मदद नहीं कर रही है। जितना पैसा मांगा था ओलावृष्टि के मुआवजे के लिए वो नहीं दिया, सड़कों के लिए पैसा मांगा वो नहीं दिया, सरकार ने कहा था कि 20,000 किलोमीटर का सड़क निर्माण करेंगे राजस्थान के अंदर, 1 नया किलोमीटर का सड़क का काम नहीं हुआ है, घोषणाएं सिर्फ हो रही है। बिहार में और गुजरात में जो करारी हार बीजेपी की हुई है उसको देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल किसी प्रकार ऊंचा करें, इसलिए 13 तारीख का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, शहर अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता, उपाध्यक्ष कैलाश चालीवाल, प्रताप यादव, सबा खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।